दोस्तों नमस्कार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम। तो किसी भी शेप किसी भी साइज का कोई एक ऐसा रिजिड बॉडी जो कि वर्टिकल प्लेन में फ्रीली ओसिलेट कर सकता है किसी भी हॉरिजेंटल एक्सिस के अकॉर्डिंग, और वह हॉरिजेंटल एक्सिस उस बॉडी के किसी भी पॉइंट के थ्रू पास होता है, अर्थात किसी बॉडी के किसी पॉइंट के थ्रू पास होने वाले हॉरिजेंटल एक्सिस के वर्टिकल प्लेन में अगर कोई बॉडी किसी भी शेप साइज का हो, अगर वो फ्रीली ओसिलेट करता है, तब इस तरह की बॉडी को कंपाउंड पेंडुलम कहा जाता है। हम डायग्राम में देखेंगे कंपाउंड पेंडुलम का एक वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें वो हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट ओसिलेट करता है। हमने मान लिया कि कंसीडर करते हैं कि बॉडी का मास m तथा सेंटर ऑफ ग्रेविटी g और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन s, मतलब जिस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब होता है जिस पॉइंट से कंपाउंड पेंडुलम बंधा हुआ है, जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग ओसिलेट करता है, उसे हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी के बीच की डिस्टेंस स्मॉल एल लेते हैं, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है वो वर्टिकल लाइन एस एल पर सस्पेंशन एस के पॉइंट के भी नीचे की ओर हो जाता है। अब जब बॉडी को एंगल थीटा से डिस्प्लेस करते हैं तब उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉइंट जी, वो पॉइंट जी डैश में डिस्प्लेस हो जाता है। इस कंडीशन पे हम बॉब का जो कि लटका हुआ होता है उसका मास वेट mg लेते हैं। ये हम डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये जो g है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको हम इक्विलिब्रियम के साथ थोड़ा सा मूव कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जी डैश में डिस्प्लेस हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस के बीच की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल एल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। यहां ओ पॉइंट पर एक बॉब लटका हुआ है जिसका वेट एम जी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जिसको हम रिस्टोरिंग कपल कहते हैं वह रिस्टोरिंग कपल बॉब पे लगता है जिसके कारण बॉब एक साइड से दूसरे साइड में ओसिलेट करने लगता है। इस तरह से रिस्टोरिंग कपल का मोमेंट जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क कहलाता है उसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि बॉब यहां नीचे की ओर लटका हुआ है तो इसलिए इसमें फोर्स लग रहा है mg, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो जाएगा g डैश a। यहां से हम अगर g डैश a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा जी डैश ए अपॉन एस जी डैश। ये जो एस जी डैश है ये हाइपोटेनियस होगा और जी डैश ए ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से जी डैश ए इक्वल टू हो जाएगा एस जी डैश साइन थीटा, और एस जी डैश
को हम लगभग L के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका L साइन थीटा। चूंकि थीटा एक स्मॉल एंगल है, इसलिए हम साइन थीटा को थीटा भर भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा MGL थीटा। अब इस कंडीशन पे जो रिस्टेयरिंग टॉर्क है वह पेंडुलम को मीन पोजीशन तक लाने के लिए कोशिश करता है, मतलब मीन पोजीशन तक पेंडुलम रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण आता है। यह जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इसका जो एक्सीलरेशन है वो अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा पान डी टी स्क्वायर बॉडी पे लगाता है। यदि पेंडुलम का ओरिएंटल एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई है, तब जो आई डी स्क्वायर थीटा पान डी टी स्क्वायर है वह इनर्शियल टॉर्क होगा। इस तरह से पेंडुलम के इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, लेकिन जो फोर्स होगा वो अपोजिट होगा। तो जो पेंडुलम का इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा आई डी स्क्वायर थीटा डी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा। यहां से इसको इस साइड में चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, आई से डिवाइड कर दिया, और यहां से हम देख सकते हैं कि एम जी एल अपॉन आई को यदि ओमेगा स्क्वायर ले लिया गया तो ये आपका बन जाता है एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, जिसको ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लेते हैं। अब यदि इसका हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, यहां से ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये हो गया टाइम पीरियड। यदि के पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग बॉडी का एक जायरेशन रेडियस है, जायरेशन रेडियस वह डिस्टेंस होता है जिस जायरेशन रेडियस किसी एक्सिस से बॉडी के उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पर बॉडी का टोटल मास बैलेंस होता है, मतलब बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है जहां पे उसका पूरा मास कंसीडर माना जाता है कि उसका मास होता है बैलेंस होता है, उस पॉइंट से जो पैरेलल एक्सिस की बीच की डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। एल आपको बता ही चुके हैं, तब जो टोटल इनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। यहां पर जो पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग थ्योरम होता है उस पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग थ्योरम होगा जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, तो इस आई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड का फार्मूला होगा। यदि हम एल स्क्वायर को इस एल को डिवाइड करें तो के स्क्वायर अपॉन एल, और एल स्क्वायर में एल को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एल। तो इस तरह से जो के स्क्वायर अपॉन एल है ये एस ओ की बीच की डिस्टेंस है जो कि डायग्राम से देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो जीओ की बीच की डिस्टेंस होगी डायग्राम से देख सकते हैं के स्क्वायर अपॉन एल होगी, जहां पर पॉइंट ओ पेंडुलम के ओसिलेशन का पॉइंट है। अब हम टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन को देखेंगे, तो टाइम पीरियड का दोस्तों ये फार्मूला होता है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंडीशन होगी डी टी अपॉन डी एल इक्वल टू जीरो। चूंकि टाइम पीरियड डिस्टेंस एल के अकॉर्डिंग चेंज होती है इसलिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी टी अपॉन डी एल इक्वल टू जीरो। जब इसको एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर उसको इक्वल जीरो करेंगे तो आपका ये माइनस के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आएगा। यहां से एल इक्वल टू प्लस माइनस के होगा, यहां से हम एल इक्वल टू के लेंगे, एल की जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। अब यदि हम एल इक्वल टू के लेते हैं
और डी स्क्वायर टी अपॉन डी एल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, वहां एल इक्वल टू के वैल्यू पुट करते हैं, तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी एल स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और हम जानते हैं कि अगर डी स्क्वायर टी अपॉन डी एल स्क्वायर पॉजिटिव है तो जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम होगा। तो इस तरह से जो मिनिमम टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो टी मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा ये 2 पाई रूट के स्क्वायर के, चूंकि हम यहां पे एल इक्वल टू के वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इस तरह से टाइम मिनिमम का ये फार्मूला होगा। यदि हम तो हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो इक्विवेलेंट लेंथ होता है इस कंडीशन पे वो 2k के इक्वल होता है। अब यदि हम एल इक्वल टू जीरो करें तो टी इक्वल टू मैक्स इक्वल टू फाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात यदि हम पेंडुलम के सस्पेंशन के एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कि सेंटर है पेंडुलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है, इस कंडीशन पे यदि हम टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा अर्थात इनफाइनाइट होगा। अर्थात यदि पेंडुलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से कोई एक्सेस पास होता है और उस एक्सेस के रिस्पेक्ट में यदि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो वहां का जो टाइम पीरियड होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कंपाउंड पेंडुलम के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।